हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि डेली बेसिस पर हरियाणा जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, तो वैसे ही उसी प्रॉमिस को निभाते हुए आज ही इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप। कल एक वीडियो आपके पास पार्टनरशिप की आ चुकी है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्री पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे साथ प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज वीडियो। और अगर चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज वीडियो। सेक्शन 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। तो एक्ट 9 जो है वो किससे डील करती है। हाँ जी, एक्ट 9 ऑफ 1872 वाज बेसिकली जो है एक्ट आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करती है। 1872 में आपकी एक और एक्ट आई थी, वो कौन सी थी, वो थी एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था, जो भैया अभी हाल फिलहाल जो बिल पास हुआ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, आई एम आस्किंग अबाउट द लॉ विच वॉज अर्लियर 1872 में, जो किसने बनाया था, जेम्स स्टीफनसन जो थे उन्होंने बनाया था। अब बात करते हैं अब कि एक्ट नंबर 9 के जो प्रोविजंस हैं वो पार्टनरशिप पर कैसे लगेंगे। अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ आईसीए, अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ आईसीए वो यहाँ पर कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, दैट मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के प्रोविजन से वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। शेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द फर्म्स, और ये फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली डील करता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले अपने को देखना है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशन की मैं बात करूँ तो 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम कितने होंगे, बैंकिंग के केस में 10 और कमर्शियल के केस में 20। तो मिनिमम 2 बंदों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, रिश्ता होगा। जब भी कोई पार्टनर्स होंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 पर्सन। अब बात करते हैं एग्रीमेंट, 2 बंदे तो आगे लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब एग्रीमेंट किस लिए, कि भैया किसी बिजनेस को करना है, उसके अंदर ट्रेड भी आएगा, उसके अंदर ऑक्यूपेशन भी आएगी, उसके अंदर प्रोफेशन भी आपका इंक्लूड करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देयर मस्ट बी एन 2 और मोर पर्संस हु एग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस, के मतलब सलाह मिला ली कि हमें बिजनेस करना है, और बिजनेस इंक्लूड्स द ट्रेड, बिजनेस इंक्लूड्स द ऑक्यूपेशन, बिजनेस इंक्लूड्स द प्रोफेशन। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव, अब हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, आपका उद्देश्य है पढ़ना, तो मंजिल क्या है, हमारी हरियाणा जुडिशरी को क्रैक करना। तो उसी मंजिल को अटेन करते हुए आज का जो ये ऑब्जेक्टिव है उसी को फुलफिल करते हुए पार्टनरशिप कैसे बनती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कि भैया प्रॉफिट्स जो मुनाफा है उसको दोनों पार्टनर्स, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स जो हैं वो शेयर करेंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब एक एजेंसी तो होगा ही ना, इसमें क्या होता है, 1 पर्सन वर्क्स फॉर द होल और ऑल वर्क्स, मतलब 1 पर्सन सभी के लिए काम करेगा या सारे के सारे जो हैं मिलकर काम करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं एजेंसी जो है यहाँ पर इन्वॉल्व करती है मेरे भाई, ये चीज़ याद रखिएगा। अब पार्टनर्स की मैं बात करूँ तो पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स वो पर्सन होते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म में आ गए हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में आ गए हैं कलेक्टिवली। ठीक है, अब कलेक्टिवली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर साथ मिलकर आ जाते हैं तो उसको हम फर्म कहते हैं। और फर्म का नाम क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर काम करते हैं, जिस नाम के अंदर वो काम करते हैं वो होता है फर्म नेम, द नेम अंडर विच फर्म वर्क्स इज नोन एज फर्म नेम। सो आज के इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेमो इसके कंडक्ट कराए जा रहे हैं 8:30 से 9:30 PM पर जो है, और एक डेमो आपका 6 से 7 इवनिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। डेमो विल बी इवनिंग में जो है आपके गूगल मीट पर कंडक्ट कराया जाएगा।
19 से लेकर 21 जनवरी तक तो दो डेमोस इन अ डे आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी है भैया, फैकल्टी हैज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ लॉट्स, 3 जुडिशियल इंटरव्यूज एंड रॉट 8 मेंस एग्जाम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो अब बात करें कि इसकी फीस कितनी होगी, 7,999। लेकिन अगर आप 24 जनवरी राम जी के आगमन पर पूरा देश जो है खुशियां मना रहा है, तो उसी खुशी के मौके पर भारद्वाज लॉ एकेडमी के हर कोर्स पर शार्प 50% ऑफ किया जा रहा है। तो अब जो फीस आपकी 8,000 थी, अगर आप 24 जनवरी तक इसको इन्वॉल्व करते हैं, इसको लेते हैं, तो ये 4,000 में आपको टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ लॉ प्लस जीके प्लस इंग्लिश सारा का सारा कवर अप कराया जाएगा। और अगर आपको ये सीरीज अवेल करनी है या आपको बैच जो है हमारा ज्वाइन करना है, तो आप मुझे 8377032873 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ और याद रखिएगा, कोर्स 4000 में हो गया है एंड टेस्ट सीरीज इज नाउ ओनली 499 में टिल 24 जनवरी। 24 जनवरी के बाद फिर से आपके वही जो है प्राइस रहेंगे। तो राम जी के आगमन पर ये एक सुनहरा मौका है, तो आपकी लाइफ में भी राम जी जो है खुशियां लाएं, इसी मनोकामना के साथ आज की इस क्लास को देते हैं विराम। मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखें। जब तक की नेक्स्ट वीडियो आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।